हाँ तो गाइस कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि सब बहुत ही बढ़िया होंगे और वैसे मजे में होंगे। तो आज हम फिर से आ चुके हैं भाई GTA ऑनलाइन की दुनिया में, जहाँ पे कि आज हम लोग जो है हमारे कुछ प्रॉपर्टीज को देखेंगे भाई साहब। खाने वाले हैं भाई, हमारे पास कितनी प्रॉपर्टीज हैं और कहाँ से कितने कितनी अर्निंग्स आती है भाई। एक मिशन भी करेंगे गाइस, उसका सब सेटअप करेंगे और उसका प्रिपरेशन भी सब कर लेंगे और मिशन को डन करते हैं भाई। कुछ 3 लाख कुछ रुपीज का हमें वो मिशन करना है। तो सबसे पहले जो है मैं हमारे जो है यहाँ का ऑटो शॉप में चलते हैं गाइस यहाँ पे, और यहाँ पे जाके जो है गाड़ी बदल लेते हैं भाई। सबसे पहले ये जंगली गाड़ी लेके हम घूमना बंद करते हैं भाई, काफी ज्यादा घटिया दिख रही है वैसे वो गाड़ी। ओके ओके, तो ये वाली गाड़ी लेके जाएंगे। पर सबसे पहले जो है मैं थोड़ा देख लेता हूँ कि यहाँ पे कोई गाड़ी शायद सर्विस के लिए आई हुई है। नहीं गाइस यहाँ पे कोई गाड़ी नहीं आई है, तो अभी ये गाड़ी हमारी वाली लेके चलते हैं भाई। सबसे पहले जो है हमें कुछ पैसे चाहिए भाई, और वो पैसे जो है हमारे आर्केड में है गाइस। इसी बहाने मैं आपको अपना आर्केड भी घुमा दूंगा, मतलब कि कहाँ कैसे है हमारे आर्केड। चलो भाई चलते हैं जल्दी से यहाँ से। गाड़ी एकदम मैंने कम्प्लीटली जो है अपग्रेडेड कर लिया भाई, क्योंकि हमारे खुद का गैरेज है ना भाई, उसमें ही हमने अपग्रेड करवा लिया है। वैसे शायद आप लोग को नहीं दिखाया गया, सॉरी गलती हो गई गाइस। अपग्रेड मतलब कि जो अपग्रेड किया हमने हमारी गाड़ी को, वो जो है मैं दिखा नहीं पाया आप लोगों को। ओके हाँ गाइस ये रहा हमारा। यहाँ पे शायद कुछ 10,000 रुपये आए हैं भाई हमारे सेफ में शायद है, ये देख ही सकते हो गाइस। ये है हमारा आर्केड, ये देख ही सकते हो। वैसे यहाँ पे ऐसा कुछ सिस्टम है भाई, डेली अर्निंग। सबसे पहले जो है हमारी अर्निंग्स उठा लेते हैं भाई। वैसे सेफ ही है भाई, क्योंकि हमारा ही है, कोई आ नहीं सकता हमारी एरिया पे। अरे एग्जिट क्यों कर रहा हूँ मैं यार। मैनेजमेंट ऑफिस में जाना है और फिर यहाँ पे ये रहा भाई, ये हमारा सेफ है। ओ भाई काफी सारे पैसे हैं वैसे यहाँ पे। चलो इसे बंद करते हैं, ये देख ही सकते हो गाइस 7,700 रुपये जो है हमारी डेली अर्निंग आ चुकी है यहाँ पे। अभी मैं आपको एक जादू दिखाने वाला हूँ भाई, ये देख ही सकते हो, ये हमारा जादू है भाई। यहाँ पे एक सिक्का डालो और खुल जा सिमसिम बोलो, तो ये देखो क्या खुलता है। अभी ये लेस्टर ने बनवाया भाई हमारे लिए। नहीं 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 शायद ये बाई डिफॉल्ट ही आया था भाई, किसी ने नहीं बनवाया इसको। तो अभी चलते हैं नीचे और देख ही सकते हो भाई, ये रहा भाई, ये है कंप्लीट सेटअप। मतलब कि यहाँ पे जो है हम डायमंड कैसीनो के हाईएस्ट को सेटअप कर सकते हैं भाई। यहाँ पे ऐसे देख ही सकते हो, काफी मजेदार है वैसे यहाँ पे। तो चलो चलते हैं सबसे पहले, अभी कुछ ही दिनों में जो है इसे शुरू करेंगे गाइस, अभी के लिए तो इसको रहने देते हैं। कुछ ही दिनों में जो है डायमंड कैसीनो हाईएस्ट को हम फिर से जो है शुरू करने वाले हैं। तो चलो अभी रिसेंटली जो है गाइस मैंने डायमंड कैसीनो हाईएस्ट किया था, अभी तो नहीं कर रहा हूं मैं। चलो भाई अभी चलते हैं, अभी बाइकर मतलब बाइकर नाइट क्लब में चलते हैं। ये हमारा जिमी है, जिमी को आप लोग तो जानते ही होंगे। मार्केट से जो है अभी बाहर जाते हैं और मोटरसाइकिल क्लब में जाते हैं भाई। ओके अरे भाई, अरे यहाँ से निकलो भाई, यहाँ पे तबाही मचा दी है इन लोगों ने भाई। मार कूट देंगे तो हमारी गाड़ी की तो ऐसी की तैसी हो जाएगी, फिर इंश्योरेंस क्लेम करना पड़ेगा हमारी गाड़ी की। चलो भाई यहाँ से निकलो भाई सबसे पहले। सबसे पहले जो है गाइस हम जो चलते हैं ना हमारे बंकर में चलते हैं भाई। ओके ये देख ही सकते हो गाइस इतनी दूर है हमारा बंकर। चलो कोई दिक्कत नहीं है, चलते हैं भाई। सबसे पहले जो है मैं आपको अपना बंकर दिखाना चाहता हूं, तो भगाते हैं भाई अपनी गाड़ी को एकदम 80-90 की स्पीड में और फिर चलते हैं अपने बंकर में। वो भी हमारा एक साइड बिजनेस है भाई, वहां पे हथियारों का स्मगलिंग होता है,
मतलब कि हथियार वथियार बनवाते हैं वहां पे। चलो जल्दी चलते हैं भाई। आपको जो है गाइस मैं बंकर पे ही मिलता हूँ। हाँ तो गाइस अभी मैं जो है अपने बंकर की तरफ जा ही रहा था कि तभी मुझे यहाँ पे मतलब कि रास्ते पे एक इंसान पड़ा हुआ मिला भाई, शायद एकदम लूट स्लीपिंग गार्ड। अच्छा हम जो है इसे लूट सकते हैं भाई, चलो लूट लेते हैं भाई, क्या भी होगा उसके पास, पैसे वैसे मिल जाएंगे तो अच्छी बात हो जाएगी ना हमारे लिए। कपड़े वपड़े खरीद लेंगे भाई, तब से यही वाला कपड़े पहन के हम घूम रहे हैं भाई। हाँ तो भाई अभी जो है हमें एक की मिला है और कुछ 7,000 कैश मिल चुके हैं भाई उसके पास से। और ये जो की है ना भाई, ये शायद कायो पेरी को एक जगह है भाई, कायो पेरी को नाम का एक जगह है जहाँ पे कि हम उस की को लगा के वहाँ पे कुछ लॉक खोल सकते हैं भाई, ऐसा कुछ सिस्टम है उसका चाबी का जो हमें मिल चुका है। चलो भाई कोई दिक्कत नहीं, अभी चलते हैं। पहले मुफ्त के 7,000 रुपये मिल चुके हैं अभी हमें। चलो भाई, और सॉरी गाइस गाड़ी थोड़ी मतलब कि मरम्मत करवानी पड़ेगी। ओ भाई ओ भाई ओ भाई, सॉरी सॉरी सॉरी, माफ करना अंकल, वो थोड़ी सी दिक्कत हो गई गाड़ी दिखाने के चक्कर में। देख सर वैसे ऐसे भी काफी अच्छी दिख रही है भाई हमारी गाड़ी, मानना पड़ेगा एकदम। चलो कोई दिक्कत नहीं है भाई, तो अभी चलते हैं भाई। सबसे पहले मैकेनिक से इसकी रिपेयर करवा लेंगे भाई, नए बिजनेस को देखने जा रहे हैं। गाड़ी ऐसे खटरा गाड़ी में जाएंगे क्या भाई, एक बिजनेस के मालिक हैं भाई हम, ऐसे कोई छोटे मोटे आदमी तो है नहीं ना। चलो भाई जल्दी, नहीं रास्ते में शायद कोई गैरेज वैरेज ना हो, कोई चीज़ है ही नहीं भाई। छोड़ो लौटते वक्त रिपेयर करवा लेंगे गाड़ी को, ऐसे भी चल रही है भाई गाड़ी को, मानना पड़ेगा। वैसे ये देख ही सकते हो गाइस कैसे सीक्रेट लोकेशन में है हमारा बंकर, ये रहा भाई ये। अरे 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 रुक जा भाई रुक जा, गिर विर गया तो फिर हो जाएगी दिक्कत। ये रहा भाई, ये देखो भाई कैसे खुल रहा है भाई, शेर के मुंह की तरह खुल रहा है एकदम, दांत वांत ऐसे लगे हैं। ये रहा हमारा गाड़ी, आगे से सही दिख रहे है भाई, बस पीछे से जो है थोड़ा सा मॉडिफिकेशन ज्यादा ही हो गई है। तो चलो भाई कोई दिक्कत नहीं, ओके देख ही सकते हो गाइस हम लोग जो है पहुंच चुके हैं हमारे बंकर पे। और ये शायद इसका मैनेजर मैनेजर ऐसा कुछ है भाई, चलो देखते हैं आखिर क्या कुछ दिखाता है ये। ये रहा भाई हमारा चाबी, थोड़ा सुनने की कोशिश करते हैं ये क्या दिखाने वाला हमें। रूटीन बिजनेस दैट नीड्स अ बंकर, यू नो हाउ इट इज डोंट यू। एनीवे वी आर जस्ट मूविंग टू समवेयर एल्स इक्वली रूटीन, यू नो। हे हे हर्री द फक अप, वी हैव टू लीव, कम ऑन, डिस्ट्रॉय एनीथिंग यू कांट कैरी। Oh, anyway, if I were you, I'd make it a nice boutique hotel or some such. It'd be great as that. Microbrewery or record decks, hog roast. Perfect. Yeah. Excuse me. Hello? अबे हाँ तो बात कर ले भाई सबसे पहले। No. No, we've destroyed everything, more or less. अरे अरे मत जा भाई, क्या रखा होगा क्या पता, बम बम होगा, फूट उड़ गया तो फिर लेने के देने पड़ जाएंगे भाई। छोड़ो ये ही हमें घुमा देगा भाई, हो गया। शायद इसकी बीवी थी शायद। How would you like to make some money? Good money, you know? There's no money in hog roast, but there is in this work. Hey, stop destroying things. Some of you are staying. Let's go for a little ride, shall we? It's really lovely to meet you. अरे भाई गिरा विरा मत दे भाई, चलाना तो आता है ना, नहीं तो दे सीट बदल लेते हैं भाई हम चलाएंगे। अरे इतना है पिक, अरे ये क्या है भाई, ये सही चीज है भाई, शूटिंग रेंज शायद है। Here we are, the heart of the place, research and manufacturing. You want to make real money? Dirty little secret for you. It's in arms. Log into the network, request a resupply, and bring the hardware back here. The eggheads will take it apart. Cook up new, exciting ways of terminating people. Or just get them to copy existing designs. Then, you sell your weaponry to state-sanctioned actors on the global stage, make a tidy profit, and do the country proud. I got medals for this, I promise you. Come look at this. Hustle, people! We need this out of here 5 minutes ago.
You run a good operation, you fill the whole place up. Enough arms to effect regime change in 2/3 of the world's democracies, according to the stats. How does that sound? Fantastic is how it sounds. Ugh, Jesus. Gotta get out of here. We're bombing someone tomorrow. I don't know what I mean. Doesn't matter. It's been wonderful. Remember, we never met, you never saw me. I don't know you, and anything you think I said, I didn't say, and you were delusional. Remember that. हाँ तो गाइस यहाँ पे जो है हम हथियारों की स्मगलिंग करेंगे भाई, और जहां से कि हमें मतलब कि चीजें लानी पड़ेंगी, सप्लाई लानी पड़ेगी, और फिर स्टॉक रिसर्च सप्लाई, यहाँ पे कुछ भी नहीं है भाई हमारे पास। छोड़ो हम भी थोड़ा घूम लेते हैं भाई। हाँ तो गाइस चलो अभी चलते हैं हमारे नाइट क्लब की तरफ। आपको जो है मैंने बंकर तो दिखा दिया था भाई, पर वो बंकर में हम जो है मिशन नहीं करने वाले, मतलब कि उसको आगे नहीं बढ़ाएंगे। अबे ये कौन इतना मैसेज कर रहा है कंबख्त कहीं के। चलो भाई जल्दी से चलते हैं अभी। ये रहा भाई, फाइनली जो है मैंने यहाँ पे मार्क लगा दिया है। अभी चलते हैं भाई, जल्दी से बढ़ाते हैं आगे, और यहाँ पे देखते हैं शायद कुछ मिशंस करने होंगे हमको शायद। अभी भाई मुझे जो है एकदम कुछ उल्टे सीधे काम करके, यानी कि किसी को मार कूट के, कोई चोरी वोरी करके, अभी मुझे पैसे जमा करने हैं भाई। पैसा जमा करके ना गाइस यहाँ पे कुछ बिजनेस है, वो बिजनेस करेंगे, जैसे कि हथियारों का बिजनेस, स्मगलिंग करेंगे, कोकेन का एक बिजनेस है भाई, और यहाँ पे मनी छापने का मतलब कि बिजनेस भी है भाई। हम जो है उससे अच्छे खासे पर आवर बहुत अच्छी खासी अर्निंग जनरेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें जो है कुछ इन्वेस्टमेंट के लिए कुछ पैसे चाहिए, तो अभी चलते हैं भाई, देखते हैं आखिर हम वो सारे पैसे कमा पाएंगे कि नहीं पाएंगे। अभी तो सबसे पहले हम चलते हैं हमारे मोटरसाइकिल क्लब में, देखते हैं गाइस कैसा है आखिर। मैं अभी तक विजिट नहीं कर रहा हूँ भाई, और ये घटा गाड़ी सी पकड़ ली है भाई हमने, रास्ते में ऐसे ही जा रही थी तो बस पकड़ लिया भाई, पता नहीं किस बंदे का भाई, पर उसकी गाड़ी का एकदम कचूबर निकाल दिया है मैंने। चलो कोई दिक्कत नहीं, अभी ये हमें बस वो क्लब तक पहुंचा दे, यही बड़ी बात है भाई। भगाते हैं, वैसे गाड़ी अच्छी खासी चल रही है एकदम, इतनी ठुकठुकाने के बाद भी गाड़ी मस्त चल रही है भाई। चलो गाइस मिलते हैं आपको उस, क्या बोलते हैं उसको भाई, मोटरसाइकिल क्लब के पास। अभी भाई हमारी गाड़ी नीचे गिरने ही वाली थी। ओके हाँ तो गाइस यहाँ पे जो है हम लोग पहुंच चुके हैं हमारे मोटरसाइकिल क्लब में, अभी अंदर जाके देखते हैं भाई क्या होता है। तो चलो भाई एंटर करते हैं जल्दी से। यो गुड टू सी यॉल, आई एम आउट ओवर फ्रॉम एलसी लुकिंग आफ्टर दीस जॉइंट्स, यू टेकिंग ओवर दिस क्लब हाउस। ऑलराइट ऑलराइट, आई गेस यू गोना बी स्टार्टिंग सम काइंड ऑफ एमसी चैप्टर ऑफ योर ओन। दिस गॉट ऑल द रिक्रिएशनल फैसिलिटीज योर क्रू गोना वांट, darts, juke, arm wrestling table, working bar, whatever, whatever. Yo, you gotta invite some prospects, get them to join the club, then you lay down the IR. You usually need like a VP, a road captain, a sergeant at arms, definitely an enforcer, you know, something like that. Each role got its own perks and its own responsibilities. Hey, it's good to keep shit organized, because there's jobs out there folks will pay an OMC to do. Get them out of trouble with the 5-0, run protection, make hits, you know, whatever. Work goes up on the board, and you can take it if you want it. What else you need to know? There's plenty of room to store your bikes. Every club member gets a spot. If y'all want to set up a bike shop, we can make that happen. You got to pay for the work, though, on all those rides. But it's all good. यहाँ पे जो है बाइक रिपेयर कर सकते हैं भाई हमें। There's a spot where a gun locker can go. क्योंकि ये एक बाइकर क्लब है। And then we got a PC back here. ये रहा भाई, ये हमारा ऑफिस है भाई, देख सकते हो। You see that shit? The feds don't pick you up. You can hook it up with these internet cats to run illicit businesses. Take a look at that shit. For real. You'll thank me. And that's that, baby. I'll be in touch if you take any of that club business. Otherwise, enjoy the place. अच्छा मुझे लगा कि वो भाई हमारी है भाई। छोड़ो। अरे लेके चला गया क्या वो? हाँ वो चला गया। तो सबसे पहले जो है यहाँ का लैपटॉप एक्सेस करते हैं भाई, और यहाँ पे क्या कुछ एक्सेस कर सकते हैं ये पता करते हैं। सबसे पहले लैपटॉप किधर है भाई? अरे मेरा ऑफिस का लैपटॉप कहाँ है भाई?
चीज खरीद लिया भाई शायद हमने। अच्छा यहाँ से जो है हम सारे गलत काम कर सकते हैं भाई। यहाँ पे वीड फार्म है, एक कोकीन फार्म है। सही है सही है भाई। चलो ये यहाँ पे शायद शराब बेचती है भाई, हमको नहीं पीना भाई। ये रहा भाई, यहाँ से जो है हम सारे कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्ट कर सकते हैं और यहाँ पे कुछ मिशंस भी कर सकते हैं भाई। अच्छा हाँ, तो गाइस आज जो है देख ही सकते हो हमारे पास एक रेस कार आई हुई है भाई, जिसे कि हमें मॉडिफाई करना है। चलो भाई जल्दी से मॉडिफाई करते हैं और देखते हैं कितना पैसा मिलता है इससे भाई। चलो मॉडिफाई होने के बाद गाइस, हाँ तो गाइस देख ही सकते हो कि आज हमारे गैरेज में एक सुपर कार मतलब रेसिंग कार आई थी भाई साहब, जो कि मॉडिफाई होने के लिए। तो अभी जो है हमने इसके मॉडिफाई कर दिया भाई, अभी कंफर्म करते हैं और देखते हैं गाइस ये गाड़ी आखिर चल कैसे रही है भाई। अबे कंफर्म हो जा, देख ही सकते हो गाड़ी के कमाल की लग रही है, वैसे रेस कार है गाइस। चलो चला के देखते हैं भाई, हमने मॉडिफिकेशन की है। ओ भाई क्या गजब की चल रही है एकदम। अभी देखो ऐसे रेस दिया ना भाई, सीधे दौड़ने लगती है। ये देखो चलो भाई संभाल के इसको जो है हमारे कस्टमर को देते हैं। आप देखते हैं कि बिना ठोके हम इस गाड़ी को लेके दे पाएंगे या फिर नहीं। चलो भाई बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं आपको कस्टमर के पास। हाँ तो भाई लोग अभी जो है मैं कस्टमर के घर के पास पहुंचने वाला हूँ। अभी देते हैं भाई ये गाड़ी को, देखो भाई वेट कर रहा है बंदा, देखते हैं आखिर ये कितना पेमेंट देता है भाई। हमने ठोका ठोकी तो बिल्कुल नहीं किया भाई, देखते हैं आखिर। ओके तो गाइस यहाँ पे हमें जो है $85 मिल चुके हैं गाइस, देख ही सकते हो आप लोग। मतलब कि सर्विस कॉस्ट का जो है 35,000 और 50,000 जो है हमारी अपग्रेडेशन के चार्जेस। तो भाई साहब अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट थी हमने बस। हाँ तो गाइस आज से जो है हम एक नई सी बिजनेस शुरू करने वाले हैं भाई, और क्या आप लोग गेस कर सकते हो कि आखिर वो बिजनेस क्या होगा भाई। वैसे आप लोगों ने GTA में कार का बिजनेस तो देखा ही होगा और ट्रक्स, जो कि हम लोग ऑफलाइन वाले GTA में करते ही थे भाई, पर ऑनलाइन में भाई साहब सीन कुछ दूसरा ही है। यहाँ पे हम जो है मनी छापने का धंधा भी कर सकते हैं। उसके लिए जो है हमें सप्लाई चाहिए और उसको जो है प्रोडक्शन करेंगे, फिर जो है टाउन में सिटी में बेचने निकलेंगे भाई। अगर बेचेंगे तो हमें वो कुछ आवर मतलब में जब प्रोडक्शन कंप्लीट हो जाएगा और उस जो प्रोडक्शन हुआ है भाई उसे हम अगर सिटी में ला के बेचे तो भाई साहब बहुत ज़्यादा इनकम हो सकती है हमारी। और वो और कोई दूसरा बिजनेस नहीं है भाई, वो है मनी छापने का। हम लोग जो है आज से मनी छापने वाले हैं, नोटों की बारिश कर देंगे भाई लॉस सेंटर्स में, डुप्लीकेट्स नोट्स भाई साहब वो हमें जो है प्रिंट करवाने हैं और वो कुछ दूसरे तरीके से हम प्रिंट करवाएंगे। तो अभी जो है मैं उस दुकान के लिए मतलब कि वो हमारे उस बिजनेस के लिए मैं सप्लाइज लेने आया हूँ भाई इस तरफ। तो चलो नहीं सबसे पहले जो है मैं आपको वो दिखा देना चाहता हूँ कि आखिर हम लोग मनी कहाँ पे प्रोडक्शन करने वाले हैं। चलो भाई यहाँ पे आ चुके हैं हम। ये रहा भाई यहाँ पे जो है हम लोग मनी प्रोडक्शन करने वाले हैं। चलो भाई चलते हैं आखिर देखते हैं अंदर क्या है, अंदर जाके देखते हैं सबसे पहले। ओके हाँ तो गाइस अभी जो है हमें जहाँ से कि वो शिपमेंट लानी है भाई, मतलब कि सप्लाई जहाँ से हमें लेके आनी है, हमें वो जगह दिख चुके हैं। और सॉरी गाइस आपसे बात करने के चक्कर में भाई साहब हमारी बाइक गिर गई थोड़ा सा। चलो भाई इस तरफ से जाते हैं, शॉर्टकट मारेंगे भाई, बाइक लेने का पूरा एडवांटेज लेंगे हम। डिलीवर नीड ऑन, ओके चलो भाई भगा के लेके जाते हैं अपनी बाइक को, लेके जाने की कोशिश करते हैं अभी। यहाँ पे जो है गाइस रियल प्लेयर्स भी जो है हमसे डिफेंड करने के लिए आ सकते हैं, तो हमें उनसे बचा के भाई साहब ये सप्लाई को हमारे फैक्ट्री तक लाना पड़ेगा, नहीं तो हमारी सप्लाई सक्सेसफुल नहीं हो पाएगी और हमारा बिजनेस शुरू भी नहीं हो पाएगा गाइस। चलो भाई यहाँ पे आ चुके हैं हम, देखते हैं आखिर। अरे 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 भाई थोड़ा सा देख के इस तरफ से जाते हैं हम भाई, इस तरफ से गाड़ी उड़ी कोई तो नहीं आएगी ना, यहाँ से एकदम कुदा के लेके जाएंगे। एक सेकंड पहाड़ में चढ़ाओ ना भाई, डायरेक्ट सीधे जो है हमें पहाड़ पे चढ़ाना है। अरे थोड़ा सा संभल के, ओके ओके चलो भाई सही है, आगे चलो आगे चलो। अरे भाई
गिर ही गया, मुझे मालूम था मैं गिरने वाला हूँ। छोड़ो भाई, होता है, चलता ही है सब, थोड़ा थोड़ा तो चलता ही है ना। अरे भाई बाइक से तो धुआं निकलने लगी है भाई, ऐसा लग रहा है अभी कुछ ही देर में बस मरने ही वाला हूँ। एक अभी हमें जाने दो अंदर। भाई बाइक फूटेगी नहीं ना, बस इसी का ही डर है भाई। चलो गाइस मैं मिलता हूँ आपको उस लोकेशन पे। हाँ तो भाई लोग अभी जो है हम लोग पहुंच चुके हैं जहाँ पे कि हमें सप्लाई मिल सकती है। अच्छा इस तरफ जो है वो गाड़ी होगा शायद, यहाँ पे ग्रुप 6 का गाड़ी होगा, उसे हमें चुरा के लेके जाएंगे भाई। भाई साहब किधर पे है भाई? अरे ये रहा गाइस, ये रहा भाई, ये रहा हमारा। अरे मैं भी अच्छा खासा गाड़ी चलाता हूँ भाई, छोड़ो भाई हो जाती है कभी कभी दिक्कत। अभी जो है यहाँ से इन प्लेयर से बचा के लेके जाना है भाई इस गाड़ी को, देखते हैं। ओ भाई अभी बस 10 सेकंड में जो है ग्लोबल सिग्नल ऑन हो जाएगा भाई, जिससे कि सारे बंदों को पता चल जाएगा, मतलब कि हमारे स्टेशन में जितने ही बंदे हैं भाई सबको पता चल जाएगा कि यहाँ पे मनी का ट्रक जा रहा है भाई, और वो लोग आ जाएंगे यहाँ पे धाबा बोलने। देखते हैं भाई कौन पंगा लेने आता है। भाई छोड़ दो यार, बचा लो हमें, देखते हैं आखिर गाइस हम ले पाएंगे कि नहीं पाएंगे। अगर ये सक्सेसफुल होती है तो हमारा मनी का बिजनेस जो है शुरू होने से कोई नहीं रोक सकता भाई। चलो चलते हैं भाई, म्यूजिक एक ऐसा सा लगा रखा है भाई। ओके यहाँ से राइट, अभी तक तो कोई नहीं है हमें पकड़ने वाला, यहाँ पे कोई तो नहीं है भाई। चलो आराम से लेके चलते हैं इसे, अभी यहाँ से बहुत दूर लेके जाना है भाई, देखते हैं आखिर क्या होता है कि नहीं होता है आगे, हमसे कोई पंगा लेने आएगा या फिर नहीं आएगा। बहुत ज़्यादा डर सा लग रहा है भाई, अगर नहीं हुआ तो हमें फिर से लेके आना पड़ेगा और फिर लेके हमें जो है हमारी फैक्ट्री पे इसे पहुँचाना पड़ेगा भाई। इससे पहले कोई देख ले भाई, निकलो यहाँ से निकलो। चलो गाइस मिलता हूँ मैं आपसे।